Okay, so today we have to discuss hybridization. Yesterday we have seen that how the mixing of the orbitals of the single molecule, single atom and two different atoms is different. Two different atoms is called valence bond theorem से जो हमारा bond बनता है वो, और self एक ही एटम का होगा तो वो होगा हाइब्रिडाइज्ड. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू सी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट. ये जो मैंने लास्ट में तुम्हें फटाफट बताया था, आई हैव गॉन थ्रू दी पेपर्स एंड ऑल, और यस इट इज इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन डिस करते हैं इसको. ओके, हाइब्रिडाइजेशन में हमें सबसे पहले डिस्कस करने हैं, देखो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे. ओके, इसमें जो ऐसा पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कई सारा. ओके, मीथेन, एमोनिया एंड ऑल, वाटर, फिर से अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक में आ रहा है इसलिए. तो क्या हो रहा है, जो वो जो ऑलरेडी डिस्कस किया है वो थोड़ा फटाफट जाएंगे. ओके, क्योंकि तुम्हें समझ में आ ही गया है. ओके, तो क्या हो रहा है, कितने टाइप के हम लेंगे, से एस पी हाइब्रिडाइजेशन, then sp2 hybridization, then say sp3 hybridization, then sp3d hybridization, मतलब पांच पांच ऑर्बिट हो गए, एक तीन चार और एक पांच, और एक sp3d2 hybridization. ये सारे ही हमें देखने हैं. इसके लिए एंगल कितना होता है, 180, यस 180. sp2 के लिए 120 एंड sp3 के लिए 109.5. sp3d एंड sp3d2 के लिए डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर से कंपाउंड. ओके, जो भी कंपाउंड बनेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसका शेप कैसा है. ओके, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड का शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये एंगल कितना होगा. तो वी कैन राइट से डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंपाउंड. ओके, और एक चीज जो हमने देखी थी वो चलो वैसे भी बाद में आएगी ही, तो एट दैट टाइम वी विल सी. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, और उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. sp के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज BeCl2. ओके, बेरिलियम क्लोराइड. तो कैसे करेंगे, देखो बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 देन आगे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, 2px 2py एंड 2pz, लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं. डन, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं. से बेरिलियम 4 जब एक्साइट हो जाएगा तब 1s2, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया. क्यों चला गया, क्योंकि s एंड दिस p, 2s एंड 2p की सारी उनकी एनर्जी डिफरेंस क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है, मतलब कम है डिफरेंस, बहुत ज्यादा क्या है, कम है. क्यों कम है वो भी हमने देख लिया था. सपोज ये हमारा है n इज इक्वल्स टू 1, देन से ये हमारा है n इज इक्वल्स टू 2, सो 2n, हाँ, सो से दिस इज माय से 1s, ओके दिस इज माय 2s, बट उसी के साथ साथ मेरे पास क्या है, 2px 2py एंड 2pz, सो दिस इज से 2px 2py एंड 2pz. सो कंपैरेटिवली ये सारे ही किस में है, कौन से क्वांटम नंबर में आ जा रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 2 में. सो n इज इक्वल्स टू 2 में आ रहे हैं, दैट मींस उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा. इसीलिए दे विल मिक्स अप एंड दे विल मेक व्हाट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट.
तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वापस याद ही है ओके, कि उनका शेप, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सबका नाम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो 2s1 एंड यहां पर हम ले लेंगे, यहां पर हम ले लेंगे जनरली कोई भी पी ले लो, कोई भी पी ले सकते हैं, बट जनरली जेड आ जाती है क्योंकि हमने जेड को ऐसे एक्स, मतलब जो हम एक्स दिखाते हैं उसको हम जेड दिखाते हैं पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टली। सो मैं मान लेता हूं से यहां पर है 2pz 2py एंड से 2px, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसका एक कम हो गया और यहां पर एक आ गया। तो हुआ क्या कि पहले ये कंडीशन थी और बाद में ये कंडीशन आ गई एक्साइटेड स्टेट में। हाँ बोलो। करेक्ट। हाँ नहीं, पीएक्स पीवाई एंड पीजेड वो तीनों की एनर्जी लेवल सेम है, उसमें ऐसा नहीं है कि पीएक्स की कम फिर पीवाई की उससे थोड़ी ज्यादा उससे फिर ज्यादा, वैसा उनमें नहीं है। सारी की सारी पी जो है उनमें सेम एनर्जी, सारी की सारी जो डी है उनकी सेम एनर्जी, और सारी की सारी एफ है उसकी सेम एनर्जी। ओके सो यहाँ पर दो थे, ये हमारा था नॉर्मल बेरिलियम और यहाँ पर क्या है एक्साइटेड बेरिलियम, तो यहाँ एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया, डन। अब कौन आएगा, क्लोरीन। ओके सो से सो बेरिलियम जो है उसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, बेरिलियम यहां पर से डन। ओके तो बेरिलियम के उसके पास कितने हैं से, अब ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो इसका नाम क्या है एस पी, इसका भी नाम क्या है एस पी, क्योंकि एक एस और एक पी ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें एस का परसेंटेज कितना है कल हमने देखा था 50-50 ब्रिटेन या 50-50। ओके सो एस और पी का आधा आधा है क्योंकि दो ही है तो 50-50। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है इसका नाम है एस पी, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया है इसका नाम क्या है एस पी, डन। देन क्लोरीन आएगा, तो जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन का तो आता है 2pz, ओके तो वो कैसे आएगा, उसका डंबल शेप होता है, तो लाइक दिस, ओके तो ये आ गया मेरा कौन, क्लोरीन, ये भी कौन आ गया क्लोरीन। देन यहां पर अगर ये डायरेक्शन में है तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑपोजिट स्पिन में होगा, तो ये दो हो गए, उसके भी दो हो गए, ये हमारा हो गया BPCl2। ओके तो देखो कभी कभी हम जो Cl है जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, जैसे PCl5 और वो बहुत ज्यादा Cl हमें ड्रॉ करने हैं, तो शायद हम Cl को ऐसे राउंड की तरह जैसे H का 1s ड्रॉ करते वैसे ड्रॉ कर दे, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे, करेक्ट वे ये है ओके, बट फास्टली ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए तुम ये ड्रॉ करो तो सही होगा वो। ओके सो ये sp है, ये भी sp है, ये भी sp है, ये सारे sp हो गए, और वो sp कनेक्ट किसके हो रहे हैं, देखो ये sp था ये sp था, लेकिन यहां पर क्लोरीन जो है वो sp है क्या, क्लोरीन थोड़ी sp है, इसकी ये जो दो है वो sp है। ओके तो क्लोरीन PZ, ओके यस, थ्री नहीं 2pz, हाँ 3pz, यस ओके 17, सो से दिस इज 3pz और दिस इज ऑल्सो से 3pz, ओके क्लोरीन 17, तो 3pz आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz, तो ये हो गए 12, 14, 16 एंड 17। ओके तो ये और ये इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगेन तुम बॉन्डिंग में देखोगे तो बीई यहां पर आ गया बीई सीएल, यहां पर भी सीएल, तो ये एंगल कितना बन गया 180।
तो एसपी में कितना एंगल बनेगा, 180 एंगल बनेगा। तो ऐसे अभी तुम्हें शो करना है। और ये जो बॉन्डिंग बनी, ये जो सीएल के साथ जो बॉन्डिंग बनी, ये ओके, ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा हमारा, सिग्मा बॉन्ड। और वैसे ही यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनी, ये भी क्या है हमारा, सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों हमारे सिग्मा बॉन्ड बन गए। यहाँ पर भी शो करना होता हम शो कर सकते हैं BeCl2। डन, ओके। और उसमें अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग दिखाना चाहो तो भी दिखा सकते हो। दैट इज से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड देन से यहाँ पर पॉजिटिव, ये साइड पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो बीई की ओके पॉजिटिव नेगेटिव आगे जब हम दिखाएंगे तो वो कैसे दिखाएंगे कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। अभी मैंने दोनों साइड देखो, यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दिया। तो एक्चुअली होगा क्या, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को कई जगह पर ऐसे स्मॉल लोब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लोब। ओके, ये जो हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोब। ओके, लोब। तो ये स्मॉल लोब जो है वो नेगेटिव का, और यहाँ पर भी स्मॉल लोब है वो नेगेटिव का। पॉजिटिव का बड़ा, नेगेटिव का छोटा, लाइक दैट। वैसे लोब के फॉर्म में भी हम शो करते हैं। तो पॉजिटिव और फिर लोब अगर ड्रॉ कर दिया तो नेगेटिव। ओके, तो बी के ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला छोटा, बी का ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला छोटा, क्लोरीन का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्लोरीन का भी एक पॉजिटिव, मतलब एक एटम के दोनों लोब होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये लोब इज जस्ट अ साइन, क्यों, क्योंकि याद करो चैप्टर, ओके, क्या हम देखे थे कि एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो ऑर्बिट्स हम बोल रहे हैं, sp बोल दिया, s बोल दिया, px बोल दिया, py, pz, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली दे आर दी से वेव, वो वेव फंक्शन है ना साई, याद है वो सब फर्स्ट सेकंड चैप्टर, ओके। तो वो क्या है, वेव फंक्शन है। डी ब्रोगली ने बताया था कि एक्चुअली वहां पर इलेक्ट्रॉन, जब भी डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो क्या करेगा, वेव फॉर्म में होगा। ओके, जब भी कोई पॉइंट मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, तो वो क्या होगा, वेव फॉर्म में होगा। तो सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा है। तो जो रेंज में घूम रहा है वो रेंज को हमने क्या बोल दिया कि दिस इज माय ऑर्बिट। ओके, तो दैट इज एक्चुअली अ रेंज, जो रेंज में इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगेन अ बिलीफ सिस्टम, जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो भाई बीच में, ये बीच में, बीच में नहीं है भाई पॉसिबिलिटी। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे दिखता है, ये रेंज में इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो भाई इसको ऐसे नाम दे दिया n is equals to 1, this is n is equals to 2, like that। तो वो तो एक वेव फंक्शन है डी ब्रोगली ने जो बताया था वो, कि भाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट कि भाई ये पूरी की पूरी पी ऑर्बिट है यहीं पे रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो उसकी रेंज है कि यहाँ पे हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं होती, एग्जैक्टली होती नहीं है। कि मतलब जैसे हमारा अर्थ है और मून का ऐसे कैसे है, ऐसे पूरा ऐसे गोल 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 गोल, तो क्या रोज सेम होता है? हमारा जब सन के अराउंड में चेंज होता है ना, वैसे उसका भी चेंज होता है। नहीं तो ऐसा समझो रोज ही सेम होता तो हमें रोज ही एक ही शेप का मून दिखता, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नहीं दिखते। ओके, लेकिन चेंज होता जाता है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, क्योंकि ये सारी जियोमेट्री जो है सन मून अर्थ, ओके, वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है। बट जो हमारी ऑर्बिट्स है, मतलब जो जगह है घूमने की, वो जगह तो वैसी रहेगी, लेकिन हमें ऐसा लगे जगह वैसी रहेगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि जगह क्या हो गई, चेंज हो गई। क्यों? जैसे कि तुम सनराइज देखो, तो सनराइज देखो तो कैसे, जैसे तुम देखोगे ना तो ऐसे होता जाएगा, ऐसे सपोज सनराइज ये ईस्ट में से ऐसे हो रहा है और एग्जैक्टली वेस्ट में जा रहा है, फिर क्या हो जाएगा, ये ईस्ट में से जाएगा वेस्ट में, फिर थोड़ा ईस्ट से नॉर्थ की साइड, जैसे हम बोलते हैं मकर संक्रांति, ओके, तो हम नहीं बोलते कि सन इज गोइंग इनटू द मकर राशि, मकर साइन, ओके, दैट मींस व्हाट, मकर संक्रांति मतलब उत्तरायण बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर मतलब नॉर्थ, ओके, सो सन ईस्ट से, जैसे कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो सन ईस्ट से आएगा वेस्ट में जाएगा, ईस्ट से, ये ईस्ट वेस्ट तो एक्चुअली हमारे लिए है भाई, सन तो जहां है वहां है,
हम घूम रहे हैं इसलिए लग रहा है कि सन घूम रहा है, सन थोड़ी घूम रहा है, सन तो वहीं पे है, बट समझने के लिए ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, और संक्रांति के बाद क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा टॉवर्ड्स दी नॉर्थ, उत्तरायण, मतलब ऐसे, अब ऐसे मूव करेगा ऐसे, तो तुम देखना थ्रू आउट द ईयर, ऑब्जर्व करना क्या सनराइज अभी यहाँ हुआ सितंबर में सपोज, या सुबह अगर तुमने देख लिया कि यहाँ से सनराइज हो रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ देखना अक्टूबर में, तो अक्टूबर में सपोज तुम देखोगे कि थोड़ा ये साइड हो जाएगा या थोड़ा ये साइड हो जाएगा, एग्जैक्टली एक ही जगह से सनराइज नहीं होता रहता, अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे ही है, ये समझ में आ गया, ये मतलब ये जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया, वैसे ही ड्रॉ करना है हमें सारे, ओके? तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था किसका, SP hybridization का, तो जो भी पूछे एग्जाम्पल है BECL2, ओके, और एंगल उनके बीच का कितना है, तो से 180 डिग्री, ओके, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइन और वो सब तो इंफॉर्मेशन के लिए बताया। नाउ अभी नेक्स्ट हम देखते हैं BCl3, ओके, बेरिलियम नहीं बट से बोरॉन, तो अब हम क्या देखते हैं BCl3, हाँ बोरॉन, तो बोरोन हम अगर देखें 5, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py, 2pz, ओके, और यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कुछ नहीं है, और अगर B स्टार की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1s2, then 2s and then 1, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, so 2px1, 2py1 and 2pz में कुछ नहीं, so again यहाँ पर जो दो थे वो हो जाएगा एक, और यहाँ पर तो एक था ही लेकिन यहाँ पर नहीं था, वो यहाँ से एक आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा बोरोन का एक्साइटेड स्टेट, ओके। वैसे अब इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, भाई ये एक एस है, एक दूसरा पीएक्स है और दूसरा पीवाई है, तो हमारा कौन सा बन गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। अब bcl3, तो सपोज ये हमारा है बोरॉन, ओके, नाउ बोरॉन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो से हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, डन, ऐसे तीन लॉब बना दिए, ये थ्री लॉब जो हमने बनाया है वहां पर इलेक्ट्रॉन भी है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक, और ये सारे सबके पहले तो ये लॉब बना दिए, तो उसके नामकरण कर दो भाई, ये कौन है sp2, ये भी कौन है sp2, ये भी कौन है sp2, अब इलेक्ट्रॉन बता दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, अब कौन आएगा, क्लोरीन, ओके, अब क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन की क्या है भाई, वो भी तुम्हें पता ही है, क्लोरीन जो है, सो क्लोरीन के लिए 17, तो से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz, 1, 2, 2, तो 3pz, तो अब क्लोरीन जो ड्रॉ करना है, वो क्लोरीन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्लोरीन एक्चुअली हम ड्रॉ करेंगे डंबल शेप में, क्योंकि P है, ओके, सो ऐसे डंबल शेप में अगर हम ड्रॉ करें, डन, ओके, तो इसका नाम जैसे ही ड्रॉ करो नाम लिख दो, ये क्या है 3pz, फिर यहां पर भी, तो ये भी है 3pz एंड यहां पर भी, तो ये भी है 3pz, नाम कर दिया, उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ कर दो, तो यहां पे ऐसा था तो उसके ऑपोजिट साइन वाला हम ड्रॉ कर देंगे, ऐसा था तो यहाँ पर ऐसे रेड कलर का, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, लाइक दैट, समझ में आया, ओके, सो ये हमारा बन गया BCl3, और हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एंगल क्या होगा, 120, क्योंकि टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, तो 180 / 3 करेंगे तो 120 आ जाएगा ना,
so this will be say 120. So this angle A के बीच में दिखा दो. This angle is say 120. ड्रॉ करने के लिए पूछे तो एक के बीच में दिखा दो. ऐसे नामकरण सबके करने हैं. ये त्रिपिजेड, ये इलेक्ट, नाम सबके लिखने हैं, इलेक्ट्रॉन सबके दिखाने हैं, एंगल एक के बीच का. अगर सेम है तो एक के बीच का दिखाओ, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो सारे दिखाओ. ओके, यहां पर सबके बीच में सेम ही है तो हमने दिखा दिया ऐसे एंगल से 120. अंडरस्टूड. और ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म में होता है तो वो भी दिखाना हो तो तुम थोड़ा पेंसिल से वो दिखा दो. अगर ट्राइंगुलर प्लेनर दिखा रहे हो ड्रॉ करके तो थोड़ा पेंसिल से दिखा दो. और मैं पेंसिल मतलब इसे छोटा बना देता हूँ. सो इट्स लाइक दिस. Understood. तो ये बन गया ट्राइंगुलर प्लेनर. ओके, सो दिस इज, ऐसे अगर पूछा जाए कि भाई BCL3 का बनाओ तो ऐसे बनाना है. डन. चिराग समझ रहे हो ना? क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है? हैं? क्यों? नींद? मतलब नींद कम हुई इसलिए? मुंह धो लो. ऐसा होता तो कभी आया था सर से, वो घर से ही हो रहा था. अच्छा, दवाई पीनी है? हाँ, तुम पीते हो दवाई ऐसे हेडेक की? पीना भी ना मन हेडेक की तो कोई दवाई पीता है? मतलब पीते हैं, बहुत एक्सट्रीम केस हो तो पीनी है, अदरवाइज डालना ही नहीं है ऐसे कुछ स्टमक में. हाँ, ये समझ गए. ओके, तो ये था हमारा BCL3. तो ये पहले हमने SP देखा, फिर हमने SP2 देखा, एंड देन वी विल सी SP3. देखो पहले यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूँ तुम्हें. जैसे ये रहा देखो BCL3 अभी जो ड्रॉ किया हुआ. डन. देखो इसीलिए अच्छा हुआ ना ओपन किया, ये ड्रॉ करना रह गया ना. ओके, इसके नेगेटिव्स ये देखो, ये इसका पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. और बोरोन के, बोरोन के ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. जो नेगेटिव कहाँ है तो नेगेटिव यहाँ ऐसे बीच बीच में, नेगेटिव नेगेटिव, छोटे लोब्स, नेगेटिव नेगेटिव. डन. तो ये लोब्स भी हमें, क्योंकि देखो इसके पहले हमने दोनों दिखाए थे. ये देखो कहाँ गए, कितना खराब कर दिया. ओके, ये देखो ये पूरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव. सीएल का भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, सीएल का यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव. तो वैसे ही सारे लोग दिखाने हैं हमें, तो यहां पर भी हमने दिखा दिए ये पॉजिटिव, तो हमने ये ड्रॉ कर दिए 1 2 3, नेगेटिव भी 1 2 3. Understood. Okay. So that thing we have forgot. Now we have corrected like this. Positive, negative वाला ये रहा. Positive, negative. Positive, negative. तो boron के ये हो गए. उसके बाद plus minus, plus minus, plus minus. ये हो गया हमारा BCL3. Angle उन्होंने नहीं दिखाया, हम angle जितना पता है सब लिख दो. नाम भी लिख दो कि भाई ये कौन है, ये है SP2. ये भी है कौन है SP2. ये भी कौन है SP2. ये कौन है ZZZ, ये भी ZZZ, ये भी ZZZ. बॉन्ड, बॉन्ड भी दिखाओ. ओके, सो से ये जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड. और बॉन्ड बनाने के लिए ये अगर ड्रॉ कर लो तो बॉन्ड ना लिखो तो बॉन्ड के लिए अलग स्ट्रक्चर बना दो लाइक दिस. यहाँ पे दिखा दो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सीएल सीएल सीएल, और एक एंगल दिखा दो से 120. तो इसको अगर तुम्हें क्लीन रखना हो तो दो फिगर बनाओ, ये ट्राइंगल बना दो, लोब्स सारे बना दो, बॉन्ड एंड एंगल दूसरी जगह पे ऐसे शो करो. क्योंकि ऐसे लोब है प्लस माइनस दिखाओगे तो बहुत ज्यादा है एक जगह पे जाएगा. सो ऐसे तुम टू डिफरेंट फिगर्स भी शो कर सकते हो. अंडरस्टूड. लेकिन इंफॉर्मेशन सारी हमें दे देनी है, जितनी भी हमें पता है सारी ही एक फिगर में हमें दे देनी है. ओके, सो समझ में आया BCL3? पूछा जाएगा, हाँ पूछा जाएगा. इसीलिए देखो लाइक दिस, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड,
प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर हमने देखा ये देखो 120 डिग्री sp2 हाइब्रिड, देखो इन्होंने यहाँ एंगल नहीं दिखाया लेकिन यहाँ दिखा दिया है, ओके तो 120 डिग्री प्लेनर, एंड देन देखो s देन py एंड pz, ओके py pz py pz, फिर तीसरा भी आ जाए तो px py pz, वो कोई भी हो नाम, कोई भी वो लोग कोई भी px py pz में से कोई भी ले, बट हमें दो लिखनी है, ओके अब ये देखो एक s, ये सारा किसका है, ये x ये डायरेक्शन में लिया है, z ये डायरेक्शन में, और y y थोड़ा थर्ड डायरेक्शन 3d में लिया है, मतलब 3d में y है, तो ये जो वर्टिकली है वो x है, हॉरिजॉन्टली है वो क्या है z, ओके और हमने देखा क्या BECL2 ये, ओके तो ये है हमारा BECL2, तो ये हमारा BE है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसके साथ CL आ जाएगा, तो ये CL आ गया प्लस माइनस, और ये भी CL आ गया प्लस माइनस, सिग्मा बॉन्ड डन, देखो कैसा नीट एंड क्लीन लग रहा है, वैसे ही हमें ड्रॉ करना है, हम अभी जैसे मैंने बनाया तो कैसे यहाँ पे लाइन बना दी, बी और CL के बीच में लाइन बना दी, तो वैसे लाइन बनानी हो तो बनाओ वरना ऐसे ही रखो, और लाइन वाला बनाना हो तो जैसे अलग ये बनाया ये अलग, ये लाइन वाला ऐसे अलग से बनाओ बॉन्ड जिसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ लोभ ही लोभ है, ऐसे डन, इन शॉर्ट नीट एंड क्लीन रखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड बनाया है, वैसे यहाँ पर मत शो कर, ये बुक में नहीं किया है, हाँ शो करना जरूरी है, बट बुक में तो तीन तीन फिगर दी हुई है, एक के लिए, एक के लिए थ्री फिगर है, तो मैं बोल रहा हूँ एक के लिए टू फिगर्स में एडजस्ट कर लो, एक ही में सब कुछ बनाएंगे तो गलत नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, अंडरस्टूड, ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हम ऑलरेडी बहुत कुछ बहुत बार देख चुके हैं, दैट इज मीथेन सी एच फोर, और हमें पता ही है उसमें कौन सा आता है sp3, यस तो sp3, अगेन कार्बन के लिए लिखेंगे 1s2 2s2 2px 2py 2pz 2 तो फिर कैसे हो जाएगा 1 और 1 लाइक दैट डन, ओके सो 6 है, एंड देन अगर लिखे ब्लॉक में तो ये दो हो गए, वैसे ही एक्साइटेड स्टेट के कार्बन के लिए 1s2, अब यहां से एक चला जाएगा 2px 2py एंड 2pz, तो यहां नहीं था वहां एक आ जाएगा, यहां पर दो थे तो एक हो गया, और यहां पे लास्ट में नहीं था तो वहां पर भी क्या आ गया डन, तो ऐसे कार्बन हमें दोनों स्टेट में दिखा देना है, नॉर्मल स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। नाउ अब हम बनाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक ये सारी की सारी कौन सी हो गई, अब sp3 sp3 sp3, क्योंकि सेम साइज एंड सेम शेप, सब कुछ सेम हो जाएगा, नेम से साइज शेप सब कुछ क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, sp3 sp3 sp3, तो अगर हम ड्रॉ करें उसे, ये मेरा कार्बन है, तो से ऐसे एक लोब, ओके देन ऐसे दूसरा लोब, तीसरा लोब, क्यों कितने कितने लोब बनाने हैं भाई मुझे, एक और तीन चार, ओके सो ये डन, तो चार ऑर्बिट के मैंने चार बना दिए, कौन सी चार थी sp3, तो ये चार बनाए, अब ये तो चार चार पॉजिटिव बनाए तो नेगेटिव भी बना लेता हूं, तो ये बीच में नेगेटिव बनाओ या फिर साइड में, ये एक दो तीन चार साइड दोनों सही है, ओके तो योर चॉइस, कहां पर इसके अंदर बीच में बना दो या साइड में बना दो, चलो साइड में बनाते हैं, तो यहां हम लिख देंगे प्लस 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 प्लस, यहां लिखेंगे माइनस 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 माइनस, एंड अब और क्या शो करना है मुझे, नेमिंग भी दिखाने हैं, तो ये सबकी नेमिंग, ये कौन था sp3 sp3, ये भी कौन था sp3, ये भी sp3, एंड दिस इज आल्सो sp3, देन इलेक्ट्रॉन शो करने हैं भाई कितने हैं, फोर, सो वन टू थ्री एंड फोर,
नेक्स्ट अब कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो ये इजी है, क्यों? डंबल नहीं बनाना है, एच ही बनाना है। एच मतलब स्फीयर बनाना है, गोल। तो ये हमने बना दिया से एच। एच बना दिया, यहाँ पर भी एच बना दिया, यहाँ पर भी एच बना दिया और यहाँ पर भी एच बना दिया, सारे एच बना दिए। अब क्या करेंगे? तो इनका नामकरण क्या है भाई? तो एच का नाम है 1s। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे 1s, 1s, 1s एंड 1s। अब इनके इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? तो जो घूम रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट में एक एक दिखा दो। डन। अब ऑपोजिट में घूम रहे हो गया तो बॉन्डिंग बन गया। तो कौन सा बॉन्ड बना भाई? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा यहाँ पे बताओ या ना बताओ तो एटलीस्ट लिख दो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल कितना होना चाहिए? 109.5। ओके, ये एंगल होना चाहिए। तो किसी एक के बीच में एंगल शो कर दो, एंगल भी बहुत वैसा हो जाएगा। तो मैं अलग से दिखा देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये है H, ये है H। तो मैंने जो जो मुझे बॉन्ड दिखाने थे वो मैंने बॉन्ड लाइन मुझे जो दिखानी थी यहाँ दिखा दी, बॉन्ड का नंबर यहाँ दिखा दिया है और वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 109.5 डिग्री। और कुछ रह जाता है? प्लस माइनस सारे शो कर दिए, बॉन्ड दिखा दिया, उनके नाम दिखा दिए, आई थिंक सो सब कुछ ड्रॉ करते हैं। डन। तो ये, और अब अगर तुम्हें वो जो प्लेनर शेप दिखाना है, ओके, तो देन यू कैन शो लाइक दिस। लाइक दिस, ओके। तो प्लेनर शेप में दिखाना हो तो तुम दिखा सकते हो मीथेन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन लाइक दिस। सो BCl2 sp3 hybridization, ये रहा हमारा मीथेन। देखो क्या, देखो फट गया पूरा। इन्होंने नेगेटिव नहीं शो किया है, हमने शो किया है, करना ही है। ओके, उन्होंने, अब देखो इसमें एक भी नेगेटिव शो नहीं किया है, बट हमने जो किया वैसे ही करना है। इन्होंने वैसे पूरा प्लेनर जो बनता है वो बना दिया है, मतलब कि वो डायग्राम तुम्हें सारे याद रखने हैं, मतलब नेमिंग शेप बताया था ना। हाँ, नहीं आया सब। हाँ, ओके, तो ये वाले सारे। सो हमारा अभी क्या हमने बनाया है? मीथेन। ओके, ये लोन पेयर के साथ है। यस, बहुत आगे चले। ये ना टेट्राहेड्रल शेप। ओके, Ab4CH4, तो हमारा क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल शेप। ओके, सो ये सारे ही टेट्राहेड्रल शेप CH4, देन और एमोनिया का पूछा जाता है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, देन BF3 का पूछा जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक ही प्लेन पे, ट्राइगोनल ट्राइंगल लेकिन एक ही प्लेन पे, और वो ट्राइगोनल पिरामिड मतलब ट्राइंगल तो है ही लेकिन ऊपर भी एक पॉइंट है तो पिरामिड बन जाएगा। ओके, तो BF3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन एमोनिया के लिए ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों? क्योंकि B में लोन पेयर नहीं है और N में, NH3 के N में लोन पेयर है, इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, देन NH3 का आ गया, और से H2O, H2O का तो बेंट एंगल, ये भी याद रखना, कोणीय बोलते हैं, खूणा। ओके, एंगल, एंगल को कोण बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में क्या बोलते हैं? कोण, इसलिए इसको क्या बोला गया है? बेंट। ओके, सो H2O के लिए बेंट, दैट्स इट, और से दैट्स इट, इतने तो तुम्हें याद रखने हैं। H2O के लिए बेंट, मीथेन के लिए टेट्राहेड्रल, देन एमोनिया के लिए पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, और से और क्या रहा? BF3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन पर। ओके, इतने याद रखने हैं, बाकी जो हमने यूज करने वाले हैं, देखो ये BF3 आया वापस, तो ये आ गया ना ट्राइगोनल पिरामिड प्लेनर। ओके, देन से ये रहा मीथेन, तो मीथेन का क्या आ गया? टेट्राहेड्रल आ गया, मतलब ये, तो हमने तो 2D में ड्रॉ किया है कि जहां जहां एच है वहां वहां पे, इन्होंने 3D में अगर हम विजुलाइज कर सके वैसे ड्रॉ किया है, हमें वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमने जो ऐसे ड्रॉ किया दैट इज इनफ। तो ये शेप ड्रॉ करना हो तो, नहीं तो यहां तक का इनफ है। डन। समझ में आया?
ओके ओके तो ये था हमारा CH4। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है। हमने CH4 मीथेन देखा, अगेन एमोनिया जो हमने देख लिया था और H2O भी देख लिया था, तो ये दोनों देख लिए हुए हैं, तो हम थोड़ा फटाफट देखेंगे क्या होगा। देखो एमोनिया, एमोनिया के लिए N के लिए लिखेंगे, N के लिए क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके डन। ओके सो कितने हो गए, ज्यादा हो गए, 2, 4, 5, 6, 7 डन। ओके 2, 5, 6, 7 तो 5, 6, 7 हो गए, 5, 6, 7 हुए। यस तो अभी यहां पर भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों sp3, क्योंकि ये तीन हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। मैंने बोला था कल, हमने कंडीशंस डिस्कस की थी, बोला था कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना जरूरी नहीं है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि ये मेरा है n, देन से यहां पर ऐसा एक लोब आ गया, और दूसरा अगर दिखा जाए तो NH3 दिखाना है हमें, सो से एक लोब यहाँ आ गया, एक लोब यहाँ आ गया, और एक लोब ऐसे यहाँ आ गया। अब ये तो सारे पॉजिटिव हो गए, तो नेगेटिव उसके अंदर ही शो कर देते हैं, नेगेटिव ओके। और नाम सबका लिख दो, तो SP3 है तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ, SP3। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो, तो ये एक एक, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे तो लोन पे है ना भाई, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, एक 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 ओके। मतलब टोटल है कितने, एक एक एक, ये रहा एक एक एक, और ये यहाँ पर तो दो है ओके, भले ही उसका नाम sp3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ओके, तो यहाँ पे 2 है, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे शो करना हो तो तुम यहाँ पर तुम डायरेक्टली शो कर सकते हो, डायरेक्टली तुम ऐसे शो करो, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का शो किए बिना ही डायरेक्टली ऐसे शो कर सकते हो ऑपोजिट स्पिन में। ये हमने कर लिया, सबके नाम भी हो गए, इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया, अब आएगा कौन, हाइड्रोजन ओके। सो ये रहा हाइड्रोजन। अब सबके इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, सो इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे, से दूसरे कलर से, ब्लू कलर से ओके। तो ये एक ये एक ये एक, इसकी भी से 1s 1s 1s, बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड डन ओके। तो ये हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही है पूरा। अब होगा क्या कि ये लोन पेयर की वजह से VSEPR थ्योरम के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेच डाउन कर देगा, तो उसका तुम्हें एक दिखाना पड़ेगा। सो यहां पर ही दिखा दो, दिस एंगल should be for this hybridization 109.5 degree, but due to VSEPR यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन H and this angle or this angle will be converting to say 107 degree. That's it. This much you have to show. Done. समझ में आया? Okay. H2O का हो जाएगा. हमने already बहुत बार discuss किया है. Right? Okay. कितना time हुआ है? फिर रहना जाए इसलिए. इसलिए अभी बहुत है हमारे पास. चलो H2O चलो फटाफट देखते हैं वापस ऐसे ही. Say H2O. H2O में कौन सा hybridization होता है? sp3
ओके तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 1s2 8 है तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz तो 2 और 2 4 हो गई तो 4 करनी है तो यहाँ पर 2 1 एंड 1। अगेन यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं जाएगा, ये एक बन के यहाँ कहीं पे जाएगा नहीं, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है क्योंकि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है तो उसका लिखो फिर। ऑक्सीजन का लिख दिया सो ऑक्सीजन का लिखा, अब ऑक्सीजन के लिए ड्रॉ करो सो से ऑक्सीजन। अब कितनी हमें ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 चार ड्रॉ करनी है तो कैसे चार ड्रॉ करें, एक यहां पर तो चार लॉग हमने ड्रॉ कर लिए, नेगेटिव यहां पर अंदर भी ड्रॉ कर लिए, साइन भी देख शो करने हैं सो से पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 ऑक्सीजन। नाउ इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कितने हैं, वहां पर एक एक ही है तो यहां पर मेरा से एक इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन लाइक दिस तो ये पीवाई और पीजेड के 1-1 इलेक्ट्रॉन के 1-1 डाल दिए मैंने, एस के 2 और पीएक्स के 2 है तो एक्स के 2 के लिए मैं दोनों डायरेक्शन यहां पे शो कर देता हूं 1 एंड 2 और यहां पर भी से 1 एंड 2 और नामकरण करना रह गया, इनका नाम क्या है sp3 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 sp3। नाउ हाइड्रोजन सब कुछ लिख दिया यस, अब आएगा कौन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आएगा से यहां पे आ गए हैं हाइड्रोजन। ओके सो हाइड्रोजन यहाँ पे इसका क्या है 1s, ये भी है 1s, एक इलेक्ट्रॉन देना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया सो ये बन गया हमारा 1s का भी बन गया। अब बॉन्ड दिखाना हो तो हम यहाँ पे एंगल शो कर देते हैं, एंगल शुड बी व्हाट 109.5 डिग्री बट ड्यू टू दिस 2-2 लोन पेयर्स, अमोनिया में एक ही लोन पेयर था यहाँ पर 2-2 लोन पेयर है उसकी वजह से अगेन अकॉर्डिंग टू VSEPR ओके ये ऐसे हो जाएगा एंड दिस एंगल विल बी व्हाट 104.5 डिग्री। अरे सर वहां पर 107 हुआ और यहां पर 104.5 होगा क्योंकि वहां पर वन लोन पेयर थी, सिंगल लोन पेयर थी, यहां पर डबल लोन पेयर है इसलिए और ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगाना है तो 104.5 हो गया। बॉन्ड दिखाया नहीं दिखाया तो बॉन्ड क्या 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 तीन लोन पेयर नहीं है इसलिए उसमें तो सिग्मा और यहां पर कुछ नहीं बनेगा। ओके डन सो दिस इज H2 ओके बोलो घर जाना है थोड़ा सो लूंगा पापा है उससे पहले उठ जाएंगे फिर ठीक है जाओ तो फिर अभी पढ़ेंगे वो क्या करोगे फिर मुझे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पढ़ना हाँ बट ये आता है इथाइन इथीन PCl5 अभी हम करने वाले हैं सब इसे तो आता है। फिर इथीन इथेन इथाइन ठीक है जाओ क्या कर रहे ओके ठीक है जाना हो तो जाओ तो फिर दवाई ले लेना अगर इतना ज्यादा है तो सो नहीं गए थे क्या दोपहर मैट्स का और नोटबुक का खो गई मेरे को मालूम नहीं बट अच्छे से सब कुछ 7.4 और 7.1 के चार हो चुके हैं बाकी सब कुछ खुद कल से लेके आज तक पूरा कंप्लीट कर ठीक है ओके ठीक है बाय।
ओके ये समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इथेन का। क्या इथेन? हाँ मीथेन हमने डिस्कस किया, तो अब हम इथेन डिस्कस करेंगे। ओके सो हमने मीथेन तो डिस्कस कर लिया है, अब हम CH4 वही तो मीथेन। ओके ये वाला अभी स्क्वायर नहीं बना दिया था, ये वाला। ओके सो ये है मीथेन CH4। ओके अब हम इथेन करेंगे। ओके सो हाँ सो इथेन अब हम डिस्कस करेंगे। इथेन में भी क्या आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। क्या आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो एक चीज मुझे तुम्हें यहां पर बतानी है, वो है बॉन्ड लेंथ के बारे में। ओके तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? तो देखो ये याद रख लेना तुम, सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सी और सी के बीच में। ओके तो बॉन्ड लेंथ जैसे तुमने sp2 sp3 में एंगल याद रखे, वैसे ही सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 134 पिकोमीटर। ओके 134 नहीं 154 पिकोमीटर, 34 तो डबल बॉन्ड में है, 154 पिकोमीटर। ओके फिर बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी, सो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कम हुई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो हो जाएगी 134 पिकोमीटर। डन। ओके एंड लास्टली इट विल बिकम C(CC) और छोटी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 120 पिकोमीटर। ये चीज याद रखनी है, क्यों? क्योंकि हमने मीथेन पढ़ लिया। ओके तो मीथेन में कार्बन कार्बन, ये भी एक क्वेश्चन आएगा हाँ कि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है, तो तुम्हें याद रखनी है 154 पिकोमीटर। इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या है? तो इथेन में है क्या? 134 पिकोमीटर, क्योंकि डबल बॉन्ड है। वो नहीं बताएंगे डबल बॉन्ड है, वो हमें याद रखना है। सो 134 पिकोमीटर। और इथाइन में बॉन्ड लेंथ कितनी है? तो इथाइन में बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर, क्यों? क्योंकि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। कल बताया था अल्किन 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 का फॉर्मूला अगेन हमने डिस्कस किया था। और सी एच के बीच में देखो, सी और एच के बीच में कितना है? जितना हमारा एंगल होता है 109.5 डिग्री, उतना ही होता है 109 पिकोमीटर। किसके बीच में? सी और एच के बीच में, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स जो हम पढ़ते थे। ओके और पढ़ते हैं, सो उसमें सी और एच के बीच में पर्टिकुलरली बॉन्ड लेंथ कितनी होती है थियोरेटिकली? 109 पिकोमीटर। हमेशा नहीं, यहां पर ये इथेन के केस की बात कर रहे हैं, इथेन के केस में। ओके ये सी एच किसकी बात कर रहे हैं? हम इथेन के केस की बात कर रहे हैं। सो क्या है देखो हमारा इथेन, सो इथेन पहले तो ये इथेन है मतलब अल्केन है, तो अल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, n की जगह क्या रखेंगे? 2, तो C2H2 4+2 6, तो C2H6, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं H3C सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, वैसे हम लिख सकते हैं। ओके अब देखो ये हमने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ ध्यान देना, वैसे है सेम के, कुछ अलग नहीं है, कुछ ऐसे शेयर को नहीं मारना है। ओके इजी काम है, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, दो दो और दो लाने हैं, तो से 1 and 1, डन। कार्बन एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो 1s2, 2s1 चला जाएगा वहां पर, सो 2s1, then 2px1, 2py1 and 2pz1, तो ये लोग मिल जाते हैं और बन जाता है क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे बनाएंगे? ये रहा मेरा कार्बन, कितने लोब बनाएंगे? जितनी ऑर्बिट्स है उतने लोब बनाते हैं हम, तो कितने हैं? 4 लोब्स है। सो हम कैसे लिखेंगे 4 लोब्स को? जैसे कि ये मेरा एक लोब है लाइक दिस, देन वन इज लाइक दिस,
वन इज लाइक दिस एंड वन इज लाइक दिस। अब हम सोचेंगे सर ऐसे बना दिए तो 109.5 डिग्री का अलग अलग है सब, ये देखने के लिए है एग्जैक्टली 109.5 ही है सबके बीच में। ओके हम जो प्रैक्टिकली समझते हैं ना, जो मतलब पहले से हम ड्रॉ करते आ रहे हैं ऐसे सी यहाँ पे एच यहाँ पे एच यहाँ पे एच, तो ये हो गया H3C और यहाँ पर भी हो गया HHH, सो ये H3CH3 थे, तो उसी कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज नहीं हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री ही होगा सबके बीच में, मतलब ये भी है 109.5 और ये भी और ये भी सबकी और ये भी, ओके सारे ही एंगल क्या है 109.5। तो मैं सब नहीं शो कर रहा हूं, ये समझ में आ गया, ये हमने पॉजिटिव लगाया, ये से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव लोब अंदर बना देते हैं, एक दो तीन चार फ्लावर जैसे बन गया। ओके अब ये हो गया हमारा, अब क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन आएगा, चलो हाइड्रोजन को लेके आओ, इसका नाम लिख दो पहले, नाम लिखना बाकी हो तो sp3, तो ये है हमारी sp3 हाँ अभी तो इलेक्ट्रॉन भी बाकी है sp3, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कितने हैं 1111, तो यहाँ पर एक 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 डन। अब लेके आओ हाइड्रोजन को, तो एक हाइड्रोजन कहाँ ड्रॉ कर दिया, एक अलग ड्रॉ किया, ओके तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, थ्री हाइड्रोजन आ गए, थ्री ही लाने हैं, फोर नहीं लाने हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन मत मार देना, ओके CH3 बनाना है हमें, ये रहा कहाँ गया, लिखा था ना, ये रहा CH3, तो ये हमने लिख दिया। अब ये हाइड्रोजन वाले के उसका नाम क्या है, 1s भाई, उनके इलेक्ट्रॉन भी है हमारे पास एक एक, तो ये एक, ये एक और ये एक, डन सबके नाम लिख दिए, ये वो बॉन्डिंग, भाई बॉन्डिंग कैसे बनेगा, तो बॉन्डिंग भी क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सारे ही सिग्मा, डन। ये एक कार्बन के लिए हमारा कंप्लीट हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के लिए। सेम एज दूसरा कार्बन ऐसे जुड़ता है यहाँ पर, ध्यान से देखना कि ये लोब कैसे बनता है, लाइक दिस, ओके तो ये किसका लोब है, यहाँ पे कार्बन का ये लोब ऐसे बना, एंड देन अगेन एंड ये नेगेटिव और पॉजिटिव, सो दिस इज प्लस 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 नेगेटिव 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 डन। तो चार हमने ड्रॉ कर लिए, अगेन ये चार ड्रॉ किए, उसमें भी सेम चीज, सबके नाम लिख लो, सेम जैसा इसमें करना था वैसे ही सेम क्या, तो सबके नाम है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3, सबके सेम नाम है, सबके सेम एंगल भी है sp3, देन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, तो चार ड्रॉ करने हैं, तो से ग्रीन कलर, सो इसे एक दो तीन और से चार, ये जो चौथा है वो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर भाई बाकी है अभी, तो वहां पे बाकी है, तो वो आएगा भाई साहब हाइड्रोजन, तो ये आ गया हमारा हाइड्रोजन 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 आ गया, तो उसकी कौन सी है 1s, तो लिख लो से दिस इज 1s 1s 1s, उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी से अलग कलर से देख लेते हैं, सो दिस 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 डन। वहां पर भी बॉन्ड, तो वहां पर भी बॉन्ड दिखाने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और इनके बीच में भी बॉन्ड बन गया, ये कौन सा बॉन्ड बना भाई, सिग्मा बॉन्ड, तो सारे ही सिग्मा बॉन्ड बने, कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं भाई, सी सी के बीच में कितना एंगल है, मतलब कि जो हमारा 109.5 डिग्री था, ओके
तो वो तो है ही 109.5 डिग्री, वो हमारा एंगल है 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना, तुम क्या याद रखोगे, सी एच की जो बॉन्ड लेंथ है, दैट मतलब ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा सी और एच का, वो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 109 पिकोमीटर, और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये बॉन्ड लेंथ होगी कितनी 154 पिकोमीटर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ओके तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल, ये कलर नहीं दिख रहा, ओके ये सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, ये एच 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 एच, तो यहां पर एच 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 एच, सी सी के बीच में क्या है 154 पिकोमीटर, सारे सी और एच के बीच में क्या है 109 पिकोमीटर, 109 पिकोमीटर, लाइक दिस। सभी सी एच के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है 109 पिकोमीटर, दिस मच, दिस 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 दिस, एंड सी सी के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 154 पिकोमीटर। ये एक एक मार्क में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एंगल का भी। तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं है, जो मीथेन में 109.5 बन रहा था वैसे ही इथेन में भी 109.5 बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर भी लोन पैर आती नहीं है तो चेंज होने वाला नहीं है। अंडरस्टूड, डन, ओके। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, जो चेंजेस होने वाले हैं वो अब होने वाले हैं। ओके तो अब हम देखते हैं, ओके चलो, ये हमने इथेन देखा, नेक्स्ट हम देखते हैं इथीना, क्या इथीन, इथीन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला है CnH2n, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C2H4। तो C2H4 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, से H2C डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन आ गए और 4 हाइड्रोजन भी आ गए। ओके अब इसका देखना, अभी हाँ यहाँ पे अलग है, तो इसका कैसे, कार्बन के लिए लिखेंगे 6 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz, नहीं है, डन। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखेंगे तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, अब नहीं सॉरी ये एक्साइटेड स्टेट इसमें आ ही नहीं रही है, एक्साइटेड स्टेट यहां पर आ रही नहीं है, ये जो प्योर कार्बन है वो लोग ही हाइब्रिडाइजेशन कर गए, यही लोग, विदाउट एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रॉन, और कौन हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, इसको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, तो ये लोग पार्टिसिपेट कर, तो यहां पे बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इथीन में क्या बनता है sp2, देखो मीथेन कितने sp3 पड़े हमने, मीथेन, एमोनिया, वाटर h2o, देन इथेन sp3, ये सारे ही क्या पड़े sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अभी हम देख रहे हैं इथीना, डन, ओके। तो ये हम पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले हमने एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, कौन सा था वो, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ओके, जो जिसका शेप कैसा था, ट्रायगोनल प्लेनर। सो यहाँ पे बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो कैसे बनेगा, ये कार्बन आ गया, अब क्या करें, तो हमें करना पड़ेगा से 1 2 3 sp2, ओके। सो से यहाँ पे बनाते हैं हम, ये है हमारा कार्बन, ओके। मुझे कितनी बनानी है, 4, टोटल 4 बनानी है, ओके। अब दो लोग में तो मैं 2 हाइड्रोजन रखने वाला हूं, कैसे रखने वाला हूं, ये एक ऐसे और ये एक ऐसे, तो यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा, H2C, ये भी याद रखो H2C, तो 2H का तो आ गया। अब
कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग बनाना है, तो ये हमारा एक लोब आ गया। मुझे टोटल कितनी ऑर्बिट्स ड्रॉ करनी है, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 ड्रॉ करनी है, तो 3 ही हुई भाई, चौथी कहाँ है, तो चौथी जो है दैट इज प्लेनर में नहीं है, परपेंडिकुलर में है। ओके, तो ऐसे जाती है प्लेन से, ऐसे ऐसे करके ऐसे, और फिर थोड़ी पीछे ऐसे, मतलब ये प्लेन है तो यहां पर ऐसे, एंड देन यहां पर भी ऐसे, समझ में आ रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो? ओके, ये सपोज मैं प्लेन हूं तो यहां पर तो सारे आ गए हैं जो हमने ड्रॉ किया वो, लेकिन ये वर्टिकली कैसे आ रहा है, यहां से ऐसे और यहां से पीछे से भी ऐसे, क्यों पीछे क्यों आया भाई, एक प्लस एक माइनस, ये प्लस माइनस और माइनस प्लस वॉट एवर, बट आगे भी आएगा और पीछे भी आएगा। डन, तो ये तो तीन हो गए, तो इसकी पीछे वाली मतलब ये प्लस प्लस ही ड्रॉ किए हैं सारे, तो माइनस, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सो से ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, इसमें ध्यान दो, फिर बाद में ड्रॉ करना, मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लो। सो ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, लेकिन मुझे ड्रॉ कितनी करनी है, 4, तो मैंने बताया जैसे एक कहां होगी ऐसे परपेंडिकुलर, उसको अभी इसमें कैसे दिखाए, तो इसमें हम डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं लाइक दिस, और नीचे भी। डन, इसको नाम दे दो से प्लस और इसको नाम दे दो से माइनस, डन हो गया, ये परपेंडिकुलर वाली है। ओके, नेमिंग कर देते हैं, तो नेमिंग के लिए से ये सारी कौन सी है, sp2, तो sp2 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 सर, हाँ बोलो, sp2 में तो सिर्फ 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हमने क्या बोला, ये sp2 sp2 में सिर्फ 3 ऑर्बिटल करेंगे ना पार्टिसिपेट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, एक मिनट, यस, सो 1s2 2s2 2px 2p1, तो टोटल कितनी यहाँ पर से, 1, 2 और 3, करेक्ट, यस यस, तो हमारा बनेगा टोटल, हमें 3 ड्रॉ करनी है। ओके, सो 3 ड्रॉ करनी है, सो से इथीन के लिए CH2 CH2, सो मैंने नोट्स में तुम्हारे गलत ड्रॉ किया क्या, नहीं, sp2, तो ये 1, ये 2, ये 3, नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, ये 3 जो मैंने ये ड्रॉ की वही है, ये 3, हमें 3 ड्रॉ करनी है ना, ये 3 है, यस वही है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो कौन सी है, ये जो बाकी बची है। ओके, ये 3 है वो कौन सी है, sp2 sp2 sp2, ये sp2 नहीं है, ये कौन सी है, से 2p z, और ये भी कौन सी है, 2p z, समझ में आया? Yes. ओके, तो ये 3 तो हो गई sp2, तो sp2 sp2 sp2, ये 2p z है। डन, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, अच्छा हुआ तुमने बोला, नहीं तो हम रॉन्ग चले जाते। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितने कितने हुए से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमें ड्रॉ करने हैं, 2, 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, सो हमने ड्रॉ कर दिए कितने से, 1 यहाँ पर जो HH आ जाएगा, और 1 यहाँ पर ड्रॉ किया है, क्यों 1 यहाँ पर ड्रॉ किया है अभी पता चलेगा, क्योंकि ये 2pz है उसमें हमने अभी तो इलेक्ट्रॉन रखा नहीं है, तो ये जो कार्बन है, कार्बन में जो s है, ये रहा हमारा एक सपोज sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो एक sp2 में कितने हो गए हैं, एक sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये sp2 में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ 2 ड्रॉ कर दिए, फिर ये sp2 में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा एक, एक sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा एक, समझ में आ गया। डन, ओके, बट हो क्या रहा है कि यहां पर जो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, तो हमने बोला ना कि ये खाली रह रहा है,
2PZ, लेकिन वो खाली रह रहा है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? अगेन जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तब ये एक इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे रहा है, नहीं तो क्या हो जाता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, तो तब वो एक्सचेंज हाइब्रिडाइजेशन हो रहा नहीं है। लेकिन जब बॉन्डिंग हो जाती है, ओके, तो यहां पर ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हाइड्रोजन ड्रॉ करने हैं, सो से ये हमारा हाइड्रोजन, ये भी हमारा हाइड्रोजन, और उसके भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, तो ये एक और ये एक, तो ये हो गया CH2, ये CH2 डन। यहां पर तो हाइड्रोजन आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या आएगा, कार्बन। ओके, सो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, लाइक दिस। So, ये कार्बन सेम वे में ऐसे ही, ओके, तो ये भी क्या था, से sp2 डन, समझ में आ रहा है। अब यहां पर भी डायरेक्शन हमें दे देना पड़ेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स। अगेन ये कार्बन का भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 1, तो 1 and 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स डन। सो यहां पर जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, अब वापस एच अगर लिखे हम तो ये नेगेटिव वाला बना देना है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नाउ अगर एच ड्रॉ करें हम, so this is H and this is also say H, okay, so ये H है, ये H है, ये भी 1s है, this is 1s and this is also 1s and again this is also 1s, this is also 1h, H and H, okay, like this। तो ये हमने draw किया, उसके भी electrons, तो से ये एक उल्टा और यहाँ पर भी एक उल्टा, like done। और ये जो इसकी भी खाली थी उसकी भी ऐसे बना देते हैं, done। ओके, अब होगा क्या कि ये सारे कौन से बॉन्ड है हमारे, सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो ये सारे जो है वो है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये भी है हमारा सिग्मा बॉन्ड, पहले कार्बन कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बन गया है, तो ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी कौन सा है, सिग्मा, ये भी कौन सा है, सिग्मा। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो ऑर्बिट्स है हमारे 3PZ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट अट्रैक्ट्स दैट ऑर्बिट्स, मतलब एक्चुअली ये ऑर्बिट ऑर्बिट्स, ये जो वर्टिकली है ना, ये वर्टिकली मतलब ऐसे थी, ओके, मैंने बोला ना कि ये वर्टिकली बाहर है, तो ये वर्टिकली ऐसे बाहर है ऐसे, ओके, तो कल हमने देखा था कि वो पैरेलल ही है, लेकिन जब बॉन्ड बनने वाला होता है तो वो ऐसे करके मुड़ जाती है, ओके, कल हमने देखा था, राइट, याद है ना, ओके, कैसे वो बीन शेप जैसा आ जाता है। डन, तो ये ऐसे वर्टिकली थी, नजदीक आई बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन नजदीक आ रहे हैं, लेकिन कार्बन कार्बन नजदीक आने में वो क्या रहा है कि ये लोग भी ऐसे नजदीक आ रहे हैं और यहां नजदीक आ गए, तो ये ऐसे जुड़ गए, पीछे की साइड भी ऐसे नजदीक आ रहे हैं और फिर क्या हो गए, ऐसे जुड़ गए, तो एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, ओके, एंड दिस इज व्हाट, तो भाई ये बॉन्ड बन गया, तो जैसे कल मैंने तुम्हें फटाफट बताया था कि इथीन में क्यों ये यहां पर भी बॉन्ड दिखाया गया है, तो कहने का मीनिंग ये है कि प्लस प्लस का ऊपर भी बॉन्ड बन सकता है या माइनस माइनस का नीचे बॉन्ड बन सकता है, ऐसा नहीं कि दो दो बॉन्ड बने हैं, ऊपर बनेगा तो नीचे नहीं बनेगा और नीचे बनेगा तो ऊपर नहीं बनेगा, मतलब ये 3 बॉन्ड नहीं है एक्चुअली, कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ही है, तो ये है सिग्मा बॉन्ड, ऊपर बनेगा तो ऊपर वाला पाई और नीचे बनेगा तो नीचे वाला भी कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, अंडरस्टूड, ओके, ड्रॉ कर लो जो भी बाकी हो।
तो ये जो मैंने बताया ओके वो तुम इस तरह से बनाओ, या तो फिर जैसे मैंने बताया कि ये जो दो परपेंडिकुलर नजदीक आ रहे हैं और ये बना रहे हैं, तो भाई ये बनाएंगे तो उनके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कनेक्ट कैसे करेंगे? तो अगर हम बोल रहे हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं, सो एट ए टाइम यू हैव टू शो द इलेक्ट्रॉन कंटेंट, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो तुमने यहां ड्रॉ किया है, दैट इलेक्ट्रॉन यू कैन शो, दैट इलेक्ट्रॉन यू कैन शो हियर, वन इलेक्ट्रॉन यहां से एक निकाला, यहां से एक निकाला, वो कहां गया? से वन इलेक्ट्रॉन इधर। अब जब नजदीक आएंगे तब जाके वन इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा, एंड दैट बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि यहां एक इलेक्ट्रॉन है। यहां हमने बोला ना कि यहां डबल इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, ये एक इलेक्ट्रॉन की जगह यहां रख दिया, यहां रख दिया, मतलब ये कौन सी थी? 2pz थी, तो 2pz में इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हो गया। तो हाँ, उस हिसाब से देखें तो 2pz में इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर 2pz में इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये तो नॉर्मल रहा ही नहीं, फिर ये तो क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट में हो गया। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, लेकिन फिर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 नॉट sp3। मतलब तुम सिंपली याद रख लो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिट्स तो चार है, s px py pz, देखो सभी आ गए, लेकिन इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन जो सेम एनर्जी लेवल का हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी? सिर्फ 3। तो ये सेम एनर्जी लेवल की हो जाएगी sp2, लेकिन तुम अगर सबसे पहले स्टार्टिंग से ही एक्साइटेड स्टेट लिख रहे हो, ये एक्साइटेड स्टेट का ही लिख दिया, तो हम क्या लिख देंगे कि भाई यहाँ एक 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 और एक तो हो गए ना, 4 और 2 6। लेकिन इथेन में भी तो वैसा ही था, ये रहा हमारा इथेन का केस, तो इथेन में भी वैसा ही था 1 1 1 1, और इथेन में भी क्या आया 1 1 1 1। तो भाई इथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्यों? क्योंकि 3p1 1s। लेकिन सेम ऐसा ही केस इथिन में भी बन रहा है, क्योंकि इथेनो या इथिन बनता किससे है? कार्बन से ही बनता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिख रहे हैं? कार्बन का ही लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या यहाँ पर? sp3 इथेन में, लेकिन इथिन में sp2, तो वो sp2 है, मतलब तुम्हें सिंपली 2pz को कंसिडर करना नहीं है, भले ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रही है। समझ में आया? तो तुम अगर स्टार्टिंग से अगर लिखना चाहो तो तुम एक्साइटेड स्टेट में ही दिखाओ, देन यहां पर 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 दिखाओ, फिर भी दिखाओ कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ ये 3 का हो रहा है, 2pz इन्वॉल्वमेंट में नहीं है। इन्वॉल्वमेंट में नहीं, इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहां इलेक्ट्रॉन तो उसको दे दिया है, ओके, इन लोग को सबको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी एक दे दिया, सबको, चारों को एक दे दिया, 1 2 3 और 4, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर ये दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिलेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन उसको दूसरे कार्बन से मिलेगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही दूसरे कार्बन की जो 2pz होगी उससे मिलेगा, वहां पे वो लोग बॉन्ड बनाएंगे। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन 2pz से जो बॉन्ड बनाता है दैट इज दी पाई बॉन्ड। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब इसमें होता क्या है, अगेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, सो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी? तो भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना ना, एक ये और एक ये बीच में जो बना है वो सिग्मा और एक पाई, ओके, तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 134 पिकोमीटर, ओके, क्योंकि पहले 154 पिकोमीटर थी, तो ये हो गई 134 पिकोमीटर। अब एंगल पूछा जाता है, तो एंगल जो है हमारा बॉन्ड लेंथ, यस बॉन्ड लेंथ जो हमने बोली थी ओके कितनी थी? सी और एच के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी थी? 109 पिकोमीटर। वो इस केस में सी और एच की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 108 पिकोमीटर, थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों कम हो गई? क्योंकि ये जो 2pz है वो अकॉर्डिंग टू VSEPR इनको क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है। किनको? ये दोनों को। ये देखो यहाँ पे वर्टिकली एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब आगे पीछे है, तो वो ये प्लेनर में जो है ना, ये आगे पीछे है, ये प्लेन है, ये आगे भी एक है पीछे भी एक है, तो ये दोनों के पास, ये दोनों क्या करेंगे, ये जो प्लेनर है उसमें फोर्स करेंगे, रिपल्शन फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट
ये बॉन्ड लेंथ समवॉट एक पिकोमीटर कम हो जाती है, 109 की जगह क्या हो जाएगी 108 पिकोमीटर। एंड जो हमारा बॉन्ड बन रहा है वो, जैसे कि ये बना हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो जो ये एंगल बनता है कौन सा, H C H, दिस एंगल H C H, वो कितना होना चाहिए, तो भाई ये एंगल तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो कितना होना चाहिए sp2 120, तो ये होना चाहिए 120, लेकिन बिकॉज ऑफ ये 2pz के रिपल्शन, VSAPR के रिपल्शन की वजह से वो 120 ना होके वो कितना हो जा रहा है 117.6, ये भी याद रखना पूछा जाता है, कितना हो जाता है 117.6, कौन सा एंगल, एच सी एच का एंगल, और दूसरा एक एंगल एच सी सी, मतलब कि ये एच सी और ये सी, तो एच सी सी के बीच का एंगल भी कितना होना चाहिए, ये एंगल भी कितना होना चाहिए 120, लेकिन वो 120 नहीं, ये कम आया और ये बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 121 डिग्री। समझ में आ रहा है, ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, इथेना, ओके, तो ये जो चेंज हो रहा है 108 पिकोमीटर हो गई CH की बॉन्ड लेंथ, एंगल जो था 109.5 उसकी जगह वो हो गया 109.5, तो sp3 में, sp2 में हो जाएगा 120, तो 120 की जगह कितना आ गया 117.6, और HCC के बीच में भी एंगल होना चाहिए 120, सबके सारे एंगल 120 होने चाहिए, हाँ, तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा 121, डन, ओके, सो ये था हमारा पूरा का पूरा इथिना, देन नेक्स्ट इज इथाइन, क्या है इथाइन, तो इथाइन के केस में भी सेम वैसा ही है, कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन इथाइन में एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कौन सा एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो देखते हैं, चलो जैसे कि हम लिखेंगे इथाइन, सो इथाइन का फॉर्मूला CnH2n-2n=2 के लिए अगर लिखे तो C2H2 4 4-2 2, तो C2H2, देन तो C2H2 के लिए लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, से HC ट्रिपल बॉन्ड CH, लाइक दिस ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि C2 है तो दो हो गए और H2 है तो ऐसे दो हो गए, अब फिर से लिखेंगे तो कार्बन का डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में ही लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 हो गए 4 and 2 6, एक्साइटेड स्टेट में लिखा, फिर भी नॉट sp3, यहां पे क्या बनता है sp, इथेन sp3, इथीन sp2, इथाइन sp हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमने आज स्टार्टिंग में ही देखा, कौन सा BeCl2, तो वो तो सिंपल ऐसे ही था कि बीच में B लगा दो, तो ये B लगा दिया, फिर Cl एक साइड यहां पर एक साइड यहां पर, तो इसके लिए भी हम ऐसे लगा देंगे कि एक लोब यहां पर और एक लोब यहां पर, फिर इसका एक नेगेटिव लोब यहां पर, इसका एक नेगेटिव लोब यहां पर, ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस, इलेक्ट्रॉन दिखाने हो तो ये तो हमने क्या दिखा दिए, इसका लोब दिखा दिया, इसका लोब दिखा दिया, तो ये भाई साहब के लोब 2PY और 2PZ का भी होगा, इलेक्ट्रॉन दिखाना है, रुको दिखाते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शो कर दिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शो कर दिया, इनका नाम क्या है, इनका नाम है sp और इसका नाम भी क्या है sp, डन, ये दो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए कंप्लीट, फिर उनको ड्रॉ करना है 2PY, तो 2PY को ड्रॉ करें तो अगेन जैसे इसके पहले किया था वैसे ही ड्रॉ करते हैं 2PY को, कैसे ऐसे, ओके, तो ये कैसे सिलेक्ट किया हमने, ये हो गया हमारा से प्लस और ये हो गया हमारा से माइनस, डन,
और एक बाकी है, ये तो प्लस माइनस किसका हुआ, 2PY का, इसका नामकरण कर दो नहीं तो भूल जाओगे। ओके 2PY, और ये भी क्या है 2PY, और इलेक्ट्रॉन भी देने हैं उनको, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो देखो अब यहाँ पर एक दिया है तो यहाँ पर भी एक देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, या तो पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन होगा या तो नेगेटिव साइड में होगा, लेकिन ड्रॉ करने के लिए तो मैं यहाँ ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, तो ये पूरी की पूरी 2PY है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, डन। ओके ये हो गया, अब नाम भी दे दिया, इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, और दोनों साइड साइन भी दे दिया। अब हम H को लेते हैं, तो H बनाएंगे से, यहाँ पर बन गया से मेरा H, H के लिए क्या है, H के लिए है 1s, तो ये है मेरा 1s, उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट, डन। और यहाँ पर भी हो जाएगा मेरा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो कार्बन आएगा, ये समझ में आया, डन। अब यहाँ पर कार्बन आएगा, सो कार्बन के लिए यहाँ पर वापस ये कार्बन, एंड अगेन जैसे यहाँ बनाया था वैसे ही, सो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, देन यहाँ पर ये लिखा दिया, ये है मेरा sp और ये भी है मेरा sp। अब ये जो 2PY था वैसे इसका भी 2PY होगा, तो से इसका भी 2PY, इसमें भी से इसको प्लस दे दिया, इसको माइनस दे दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन देना है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी दे दिया, इसको डन। ओके अब क्या करना बाकी है, नाम इसका लिख दो 2PY, हाइड्रोजन इसका देना है तो उसके हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर ये हमने हाइड्रोजन लिख लिया, और हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं से ये दिस इज 1s, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना बाकी था, एक इसका और एक इसका, और से इसका भी ड्रॉ करना बाकी है क्या, हाँ बाकी था, ये कार्बन तो यहाँ पे एक ही है। ओके समझ में आ रहा है, बॉन्ड दिखाना बाकी है तो बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, देन यहाँ पर भी बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, डन। अब क्या होगा देखो, ये 2PY टोटल मुझे ड्रॉ कितनी करनी थी, 1, 2, 3, 4, हाइब्रिडाइज की कितनी 2, तो ये एक और दो खत्म, इसकी भी एक और दो खत्म, बट वो दो का क्या, तो वो एक ये दी, दूसरी भी करनी है, दूसरी भी कर देते हैं ऐसे ही, देखो इसे कर दिया ये वाली। ओके हाँ, सो इसको दाम दे देते हैं इसे प्लस माइनस, वैसे ही यहां पर, तो यहां पर से से प्लस और माइनस। अब ये क्या है भाई, नाम इसका 2PZ, और इसका नाम भी क्या है 2PZ, इलेक्ट्रॉन भी देने हैं तो से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ गया, उल्टा देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ आ गया, डन। अब क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड तो हमने पहले से बनाया है, 2PY एंड 2PY के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एंड दैट बॉन्ड इज से पाई बॉन्ड, एंड 2PZ और 2PZ वर्टिकली है ना, तो एक ऐसे वर्टिकली आए 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 और फिर ये लोग ऐसे बॉन्ड बना दिए। ओके और वैसे ही पीछे की साइड में अगर पैरेलली आया है और बॉन्ड बना दिए, तो ऊपर एक बॉन्ड बनेगा और 2PZ वाला नीचे बनाओ या कहीं पर भी बनाओ, ये 2PZ भी एक बॉन्ड बना देगा, और ये भी कौन सा बॉन्ड है, से पाई बॉन्ड। तो टोटल कितने बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स आर, अंडरस्टूड। ओके तो यहां हमारे 3 बॉन्ड बने, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, दैट्स इट। और हमारा एंगल कितना बनेगा, से 180 डिग्री, ये पूरा एंगल जो हमारा बनेगा, दिस फुल एंगल इज से 180 डिग्री, इसमें तो सिंपल ही है तो ज्यादा कुछ एंगल का चेंज होने वाला नहीं है। सो दिस इज अबाउट द इथाइन, अंडरस्टूड, ये ड्रॉ करने के लिए पूछे जा सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग, अदरवाइज जैसे मैंने तुम्हें कल बुक में से बोला था यू कैन डायरेक्टली रीड, बट आई हैव गॉन थ्रू द पेपर्स, तो पूछा जाता है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग, अंडरस्टूड।
देखो क्या क्या जरूरी नहीं है, कंडीशन कल ही हमने देख ली थी, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी ही 111 है, फिर भी हम ऐसा नहीं बोल देंगे sp3, क्यों? क्योंकि वो ही कर रही है, हम क्या करें, लॉजिकली करनी चाहिए भाई एक s और तीन p sp3, लेकिन वो नहीं बना रहे, वो ये दो ही हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और ये दो नहीं आ रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो छोड़ो उनको, इनका बन गया है क्या sp। वैसे इथिन में sp2 और इथेन में sp3 डन। तो sp3 में तो जो था वही था, जैसा मीथेन का था वैसा ही इथेन का था, लेकिन इथिन में हमने केस देखा, क्या केस देखा कि जो बॉन्ड लेंथ है, अब यहां पर बोलेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ, तो क्या हो जाएगी 120 पिकोमीटर, क्यों? क्योंकि 154, 134 और 120 पिकोमीटर। तो लेकिन जो वो वाला इथीन था, इथीन उसमें सी एच बॉन्ड जो है, सी एच बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गई थी 109 से 108 पिकोमीटर, और जो हमारा एच सी एच बॉन्ड था वो होना चाहिए था 120, उसकी जगह हो गया था क्या 117.6। एंड दूसरा जो था एच सी सी बॉन्ड जो था वो होना चाहिए था 120, लेकिन हो गया था 121। ओके, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट एक एक मार्क में भी पूछी जाती है, या डायरेक्टली सिर्फ ऐसे ड्रॉ और से शो द हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन, दैट्स इट। तो पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है जो भी हो रहा है वो, लेकिन लिखने से ज्यादा फिगर ड्राइंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, लिखना भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन लिखोगे क्या, यही लिखोगे कि भाई नॉर्मल स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक्साइटेड स्टेट में ये है, ना 1s एंड 1p मिलके sp बना रहे, sp2 बना रहे, sp3 बना रहे, लाइक दैट। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ओके, तो आज इतना रखते हैं। अगेन वी हैव टू डिस्कस pcl5 एंड sf6। ओके, दैट वी विल सी। Understood? Okay. ठीक है।